अगर आपको इस तरह का सिम्टम हो रहा है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, वाइल जब आप सोने जा रहे हो, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी व्हाट पॉसिबल रीजंस। नंबर वन रीजन है कि आपको ऑर्थोपनिया हो रहा है। ऑर्थोपनिया क्या है? ऑर्थोपनिया का मतलब है जब आप खड़े होते हो सांस नहीं फूलता, जब आप लेटते हो आपका सांस फूल जाता है। खड़े हो सांस नहीं फूलता, लेटे सांस फूल जाता है, दैट इज ऑर्थोपनिया। ये बताता है, देखिए होता क्या है, जब आप खड़े हो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ब्लड नीचे खींच रहा है, नीचे कहाँ, पैरों में। जैसे ही आप लेटे, राइट, एक पानी के खुली बोतल को जैसे ही आप लेटाते हो तो पानी का फ्लो कैसा जाता है, ऊपर यानी गिर जाता है। सेम वे जैसे ही आप लेटते हो आपकी बॉडी का ब्लड का फ्लो जो है वो सीधा ऊपर की तरफ आपके हार्ट, आपके हार्ट में आता है, यानी हार्ट के अंदर वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। उस वीनस रिटर्न बढ़ने को अगर आपका हार्ट हैंडल ना कर पाए, या तो हार्ट कमजोर है, या तो हार्ट में कोई छेद है, राइट, या तो बचपन में एक पल्मनरी जो एक पेटेंट डक्टस आर्टरी पीडीए बोलते हैं, वैसे तो उससे नहीं होगा, लेकिन एक हार्ट की एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सो कहने का मतलब यह है, इस अगर तो ये ऑर्थोपनिया है, खड़े होने में आराम है, लेटने पे सांस फूलता है, लेटने लेटे रात को एकदम से उठ के खांसी आ जाती है, लेटने पे खांसी आती है, तो आपको पल्मनरी एडिमा भी हो सकता है। पल्मनरी चेस्ट में पानी, चेस्ट में पानी भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आपको चेस्ट का एक्सरे, हार्ट का टेस्ट, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी कराने चाहिए, उससे आइडिया मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है, राइट। थर्ड थिंग, फोर्थ थिंग जो है, ओवरऑल आपकी बॉडी में अगर अल्ब्यूमिन बहुत कम है, मान लो लिवर डैमेज है, मान लो आपको थायराइड फंक्शन खराब है, स्लो है, मान लो आपका हीमोग्लोबिन लो है, सो इन चीज़ों से भी हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों है। अगर आपको या आपके किसी घर वाले बच्चे को, बूढ़े को, किसी को भी हो रहा है, तो आप उनका हेल्थ चेकअप कराओ, फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये तीनों ने देखना चाहिए, कायदे से। देखो पैसे बचाओगे, नहीं दिखाओगे, चलने दो चलने दो, तो डायग्नोसिस भी नहीं होगा। देखो डायग्नोसिस में पैसे लगाने पड़ते हैं कई बार, ठीक है। डायग्नोसिस होगा तो ही इलाज होगा, राइट, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्ट बीमारी क्या है।